तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इसमें हम बात करेंगे अपनी दूसरी टर्म के बारे में। हमने इससे पहले डेटा हैंडलिंग के बारे में हमने कॉपी पेस्ट 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 हैंडलिंग वगैरह पेस्ट से पिक्चर वगैरह पढ़ा। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सेल में फॉर्मेटिंग का। देखिए फॉर्मेटिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले चीज को जान लीजिए। फॉर्मेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेटिंग के बिहाफ पे ही हम अपना रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं। तो आज की जो एक्स्ट्रा क्लासेस में हम आपके साथ एक फॉर्मेट बना के बताएंगे, एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट। ये आपका पहला है। राहुल जी प्लीज सेशन को रिकॉर्ड कर ले आप अल्ट प्लस आर प्रेस करके। सबसे पहला है तो हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। हम अटेंडेंस का एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट आपके सामने बनाएंगे, राइट। सबसे पहले हम एम्प्लॉई कोड देते हैं, हम देते हैं नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक चीज बताएंगे। और ये मान लीजिए इस महीने नवंबर का है तो हम नंबर दिया। अब हम जनरली डेट्स वगैरह को हम लोग ड्रैग कर देते हैं, तो ड्रैग करेंगे तो हर महीने आपको ड्रैग करना पड़ेगा, इसलिए हम ड्रैग करने के लिए मना करेंगे। हम बताएंगे कि इसमें आप प्लस वन कर, प्लस वन से क्या हुआ कि एक डेट आप चेंज करेंगे और बाकी सारा डेट चेंज हो जाए, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। हमारा डेट हो गया। अब बात करते हैं कि मुझे हेलो, तो मैंने इसका क्या इसको लिंक किया और मुझे लिंक करने के बाद स्पीड जो है सैटरडे संडे मंडे इस तरह का चीजें चाहिए। तो मैं यहां नंबर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, कस्टम पे यहां पे मैं डी 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 तीन बार डी डाल दूंगा तो आपके सामने एफ आई फ्राइडे आ गया। लेकिन ये एक्चुअल में फ्राइडे दिख रहा है लेकिन है आपका डेट ही, क्योंकि फॉर्मेटिंग कान चेंज द ओरिजिनल डी चेंज द विजिबिलिटी, उसने विजिबिलिटी को चेंज किया है। तो इससे अच्छा होगा कि जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में डाला था वही चीज हम यहाँ टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल देते हैं तीन बार। ये आपका फ्राइडे ओरिजिनल फ्राइडे हो गया ताकि आगे चल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह लगाने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा, अब यहाँ पे काफी बड़ा एरिया हो जा रहा है जिससे प्रिंट आउट लेना मुश्किल है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस डेट को लेता हूं, लिंक कर देता हूं, और मैं यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग में जैसे तीन बार एनएम एंड यहां पे मैं तीन बार एम एनएम एंड वाई वाई कर दूंगा तो मुझे मंथ और ईयर दिख जाएंगे। और उसके बाद इन सारे डेट को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे जैसे कि मैं तीन बार डीडी लगाया था ना कस्टम में जाके, तीन बार डीडी दिया था, हम तीन बार डीडी ना देके दो बार डीडी देते हैं तो क्या हो जाएगा, 012 की फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करता हूं और इस पे डबल क्लिक कर देता हूं, जितना बड़ा एरिया चाहिए उतना बड़ा एरिया इसमें इसको मिल गया। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? अब इसमें मैं मान लीजिए कि अगले महीने का अगर 12 दिसंबर का डेट डाल दूं तो पूरा दिसंबर के डेटा बन जाएगा, सैटरडे संडे भी उसी के अकॉर्डिंग
बात आती है कि मेरी ऑफिस में सैटरडे एंड संडे छुट्टी होता है, तो मैं सैटरडे एंड संडे को क्लर्क करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम कंडीशन को हमें फॉर्मेटिंग करना है, क्लर्क करना है विद कंडीशंस। हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में जाके फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि कस्टम है सैटरडे एंड संडे देना है, तो यहाँ पे हम और के अंदर देते हैं। ये रिपोर्ट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे चल के चीज सिखाऊंगा तो आप उसको सीरियसली सीखेंगे। सैटरडे कॉमा तो क्योंकि इसमें एक बार में दो कंडीशन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए हमने और का इस्तेमाल किया है ताकि हम एक से ज्यादा कंडीशन इसमें डाल सके। फॉर्मेट में गया फिल, और हम यहां पे अपना जो भी कलर चाहिए वो कलर डाल दिया। उसके बाद मुझे इस ये तो सिर्फ एक सेल में अप्लाई हुआ, बाकी सब पे करना है। तो फॉर्मेट सेल से लेके हमने अपना बाकी जो भी चाहिए हम यहाँ पे अप्लाई किया। तो जहां जहां हमारा फॉर्मेटिंग था वहां वहां कलर आ गया। अब एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे और हो गई। यहाँ पे देखिए एक संडे दिख रहा है, ऐसी बात मान लीजिए मैं फरवरी का डाल दू, यहाँ पे अगर मैं फरवरी का टाइम डाल दू तो आप देखेंगे कि इतना अलग हो गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि भाई उतना ही डेट दिखे जितना हमारा समझ गए, उस महीने में जितना डेट है उतना ही डेट दिखना चाहिए। तो हमें पता है कि मैक्सिमम 31 होते हैं और मिनिमम 28 तो होते होते, मतलब इन तीनों को हमें कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का। क्या होता है ईओ मंथ? इसमें अगर कोई भी डेट डालते हो और जीरो डालते हो तो वो उस महीने का डेट बताता है कि उस महीने की लास्ट डेट क्या है। तो हम इसी पे यहां कंडीशन दे देंगे, यहां पे इफ कंडीशन तो इफ से ही डलेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। ईओ मंथ कॉमा अगर ए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन लेस देन है, इसमें लास्ट सेल पे प्लस करने वाले थे तो यहां पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज जो प्लस जो प्लस कर रहा है वो प्लस करने, इसको हम आगे की तरफ ड्रैग। देखिए यहाँ पे एरर आया, तो एरर आने के चांसेस हैं। तो किसी भी एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूले को हम इफ एरर में डाल देंगे कि अगर फॉर्मूला एरर देगा तो उसके जगह पे ब्लैंक। अब हो गया कि आपका डेट उतना ही दिखेगा जितना होगा इस महीने में। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें नवंबर का डेट डालता हूं, मैं दिसंबर का डालता हूं, समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस यस सर। तो हो गया। अब हमें इसमें ये करना है कि हमें इसमें बॉर्डर बॉर्डर लगाना है, ठीक है? जैसे यहां पे बॉर्डर लगा रहा, बॉर्डर लगा और आपका 28 तक तो वाटर लगता ही है, वो तो नॉर्मल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये यहां तक 28 तक हमने बॉर्डर लगा दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारा 29 30 31 का ये बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन कब? जब इसका इसमें ब्लैंक ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला दैट इज नॉट इक्वल टू
ब्लैक, और इसमें हमने ए के आगे का डॉलर जो है हटा देता हूं, और इसमें और कुछ नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं कि इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो है वो यहां पे आ, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हमने इसको पेंट कर। और मुझे नीचे भी इसी सेम चीज करना है, तो यहां भी हम मैनेज रूल्स कंडीशन फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और हमने ऊपर इसको सिलेक्ट किया और बोला दैट इज नॉट इक्वल टू ब्लैक। अब आप बोलोगे कि सर हमने इसको अलग से क्यों लगाया, क्या बोलो जी? सॉरी दीप सिंह जी, हमने इसको लगा के ड्रैग कर दिया, लेकिन नीचे वाले को हमने ऐसा क्यों किया? बोलिए। इसलिए कि इस पे डेट का फॉर्मेट लगा है, अगर नीचे करेंगे तो यहां भी डेट की फॉर्मेट लग जाएगी, इसलिए हमने इसको अलग किया और नीचे वाले को अलग किया। समझ गए? और फिर हम यहां से फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं और इन सबों को हम यहां से, हो गया। अब देखिए, अब जैसे ही मैं यहां पे डेट चेंज करता हूं, मैं करता हूं नवंबर का डेट, तो देखेंगे कि एक हट गई फॉर्मेटिंग, पता चल रहा है कि उसमें फॉर्मेटिंग लगा था। अक्टूबर कीजिए फिर वापस आ गई, और जो कलरिंग वाला सिस्टम है वो भी अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्मेटिंग। डायनेमिक फॉर्मेटिंग क्या, कि डेटा हमारा चेंज होगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा, और हर तरह की फॉर्मेटिंग अपने आप को चेंज कर लेगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और बाकी चीजों का यूज होता है, तो बेसिकली हमने फॉर्मूला तो भी सीखा नहीं है, तो हम आगे चल के फॉर्मूले को सीखेंगे, लेकिन फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ा सा जरूरी होता है। डाउट इसमें आप लोगों को, वीर सिंह और राहुल जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें एक चीज और है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको, अब यहां पे एक चीज और भी इसमें बहुत अच्छी लगा सकते हैं, कि किसी ने अगर लीव लगाया है तो कलर हो जाए, तो ये सब सिंपल चीज है, तो आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इक्वल टू एल, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो होना है हो जाए, तो अगर कोई इसमें अगर एल लिखता है तो उसका कलर अलग हो जाएगा, राइट? इसमें एक चीज और भी है, इसी और ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं, जैसे कि किसी की ज्वाइनिंग अगर 6-3 महीने से पहले है, अगर वो एल लिखता है तो उसका कलर जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो डार्क रेड हो जाना चाहिए इस तरह। क्यों? क्योंकि उसको लीव नहीं मिल सकती, कंपनी की पॉलिसी है कि 6 मंथ के बाद ही आपको पेबल लीव मिलती है, और अटेंडेंस शीट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग का होने का पर्पस भी यही होता है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग आप लीव्स को काउंट कर सकते। तो कैसे पता चलेगा कितना दिन हुआ? हमने क्या किया कि लेटेस्ट डेट माइनस हमने ज्वाइनिंग डेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहां पे हम सबसे पहले लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला, एंड का, क्योंकि दो कंडीशन है ना, पहला एल होना चाहिए और दूसरा 180 दिन से कम, 180 दिन 17-18 180 दिन से कम होना चाहिए, राइट सर? दो कंडीशन है बट दोनों रिक्वायर्ड है, दोनों होने चाहिए,
लेकिन आपने देखा कि येलो वाले केसेस में हमने क्या किया था, और लगाया था। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में खाया तो सैटरडे या संडे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। जहां पे दोनों नहीं हो सकता, कोई एक हो सकता है, उस केस में आप और लगाएंगे, और जहां दोनों होने चाहिए वहां पे एंड लगाएंगे। यहाँ पे एंड, और हम यहाँ पे हमने बोला कि जिस सेल में लग रहा है वो इक्वल टू एल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने दिया कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट इज लेस देन इक्वल टू वन। नीचे की तरफ हमें ड्रैग करना है तो इसमें से हमें डॉलर का साइन हटाना होगा। जैसे ए, इसमें दोनों में हटेगा डॉलर की साइन, और इसमें E5। सर इसमें लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? लेस देन होगा, छह महीने से छोटा होना चाहिए ना। तो अच्छा, छह महीने से छोटा होगा तो फिर उसको लिंक मिलेगा? हम डार्क करने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग हमें बता रहे हैं कि अगर किसी ने गलती से लीव डाल दिया है तो हमें इंडिकेट कर दे। फॉर्मेटिंग क्या करता है? जस्ट हाइलाइट्स, इंडिकेशन आपको इंडिकेट करता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। ओके फाइन, ये फाइव और यहाँ पे D6, तो D6 में 6 नॉर्मल रहेगा, डी फ्री हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया, फिल में जाके हमने रेड कर ताकि वो रेड हो जाए, और हम इसको फॉर्मेट सेंटर से सबको फॉर्मेट पेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ज्वाइनिंग सितंबर की ज्वाइनिंग है, मान लीजिए, और हमने यहाँ पे एल लिख दिया, कलर हो गया, या फिर हमने यहाँ कहीं पे एल लिख दिया, क्या पता चल रहा है कि एल नहीं होना चाहिए। समझ आया? ओके, क्यों? तो सर एक बात बताओ, हाँ। जैसे मान लो कि अब जैसे यहाँ पे एल नहीं होना चाहिए, राइट? मेरे पास 5000 ग्लू का डेटाबेस है, ठीक है, तो ऐसी गलती तो मान लो कि नीचे भी हो सकती है, तो उस केस में अब मैं क्या मतलब कैसे उसको चेक करूँ कहाँ कहाँ पे ये है? उसके लिए आप यहाँ पे हम एल काउंट कर लेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे एक समरी दे देंगे, कितना पी है, कितना यू है, और कितना डार्क एल है, डार्क एल का। अच्छा, समझ रहे, एक डैशबोर्ड सिस्टम बना लेंगे। डार्क एल कैसे काउंट करेंगे? काउंट ही लगेगा, वो आज बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, समझ गया। अभी तो जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग, हाउ कैन इंडिकेट द इंडिकेट बाई कलर। आपकी जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट चेक कर रहा है, उसको समझने की जरूरत, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, उसको इजी टू अंडरस्टैंड होगा ना, इसलिए। और दूसरी, आपको हर एक रिपोर्ट के लिए, अभी से अभी बना दिया मैंने, तो आपको हर महीने हर पर्सन के नया फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट फुल्ली ऑटोमेटेड है, ठीक है। जैसे आप अपनी अपनी डेटा चेंज करेंगे, फॉर्मेट विल बी चेंज, और डेटा भी पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेंज द फर्स्ट डेट। ओके ओके राइट। तो हमने आपको एक कहानी बताने के पर्पस यही है, कोई भी रिपोर्ट्स आप बनाते हैं तो फॉर्मेटिंग जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट रखती है। देखिए, किसी रिपोर्ट बनाने के जो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है एनालिसिस। आप पहले रिपोर्ट की बारीकियों को एनालाइज कर लो, राइट? दूसरा होता है क्रिएट फॉर्मेटिंग। तो जो एनालिसिस करते हैं उसके बिहाफ पे आप फॉर्मेटिंग क्रिएट करेंगे, फॉर्मेटिंग के बिहाफ पे कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के बिहाफ पे आपका विजुलाइजेशन होगा, राइट सर, और उसके बिहाफ पे आपका आपका इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है, इफेक्ट मतलब कि यूज, इसको यूज कर या आप या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी फॉर्मेटिंग जितनी अच्छा होगी उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। आपने देखा कि हमने इसमें कई सारे जगहों पे फॉर्मूला लगाया, लेकिन फॉर्मूला कब लगाया?
आफ्टर द फॉर्मेटिंग ना, हमने यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला तैयार लगाया तो पहले हमने इसकी फॉर्मेटिंग तैयार कर दी ना, क्या सर? तो फॉर्मूला जो लगता है हमारा कैलकुलेशन फॉर्मूला डिपेंड होता है आपकी फॉर्मूला या कैलकुलेशन कर लीजिए, डिपेंड होती है आपकी फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। तो आप फॉर्मेटिंग अच्छा से एग्जांपल देखने के लिए सिंपल सा आप न्यू में जाएंगे तो वहां देखेंगे इसकी काम, ठीक है सर? एक कैलेंडर बना दिया है, इसमें फॉर्मूला लगाया तो अलग चीज है, लेकिन कैलेंडर की फॉर्मेटिंग कितनी अच्छी बनाई है इसने, क्या सर? दिख रहा है सर आपको? तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके आप उसकी फॉर्मेटिंग को देखिएगा। तो फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि आपको, आप बोले सर फॉर्मेटिंग में क्या है, बस कलर सेलेक्ट तो करना है क्या? लेकिन फॉर्मेटिंग इज द आर्ट्स। जैसे आप, आपको पेंटिंग बनाने नहीं आएगी, आपको मैं 16 कभी 27 या 25 कलर दे दूंगा तो क्या आप उस कलर का यूज करके एक अच्छा पेंटिंग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो आपको पेंटिंग बनाने का ट्रिक्स पता ना, उसी तरह से आपके पास फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टूल्स है, लेकिन उसको उसकी ट्रिक्स पता होना चाहिए कि किस तरह की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि नॉर्मल कलर सेलेक्ट तो आप लगा सकते हैं, क्या सर? लेकिन उसकी एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इनवाइस फॉर्मेट किया गया है, बिजनेस यहाँ पे कैलेंडर फॉर्मेट किया गया है, ऐसे बहुत सारी इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको ढूंढने को मिलेगी, और अलग अलग आप यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे मैंने सर्च किया पर्सनल, तो टैबलेट्स में आपको इसकी पर्सनल मिलेगी। तो आप जो है इसमें से जैसे ये देखिए दिख रहा है आपको सर, ये आपका पार्टी ट्री टैबलेट ट्री, बोलेगा सर कि ये बनाया गया है किसके ऊपर? एक्सेल के ऊपर। इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग हर कोई बोलेगा फोटोशॉप से बना, क्या देख रहे हैं इसको कैसे मेंटेन किया है? ये अलग अलग है, अलग अलग है ना सर? आप बोलेंगे आप कि फिर इसने इकट्ठा इसको पिक्चर तो एक ही था, फिर इसको काटा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि ऊपर आपको दिख रहा है ना, अगर ये पिक्चर देखिए, ये आपका नीचे इतना ही करता तो इसको ओवरलैप करता, यहां पे रहता तो ओवरलैप करता, इसलिए इसने काट के और जो बाकी ऊपर जो व्हाइट एरिया था उसको उसने हटा दिया। ऊपर का व्हाइट एरिया हटा दिया। इस तरह की चीजें आपको सोचनी होगी, ठीक है वीर सिंह जी? और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट के लिए। और अगली क्लास से आपकी स्टार्टिंग हो रही है फॉर्मेट की क्लासेस। इससे फॉर्मेटिंग ट्रिक, कस्टम फॉर्मेटिंग, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम देना होता है, क्योंकि एक आर्ट की तरह होता है, जितना टाइम देंगे उतने अच्छा फॉर्मेट कर पाएंगे, ठीक है? और फॉर्मेटिंग में आप, इसमें तो चलो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होगी, लेकिन फॉर्मेटिंग में हम चूज करते हैं डायनेमिक फॉर्मेटिंग। जैसे कि अभी आपने अटेंडेंस की फॉर्मेटिंग देखी मेरी, देखी ना सर? इस फॉर्मेटिंग को मैनुअल कर सकते थे ना, इजिली बना सकते थे, बट फिर क्या होता कि हर महीने के लिए हमें करना पड़ता, हर महीने के लिए हमको करना पड़ता, क्योंकि हर महीने में डेट चेंज होता है तो उसके वीक चेंज होते हैं, वीक चेंज होते हैं तो आपका ये सैटरडे संडे चेंज होता है, किसी महीने में कम होता, किसी महीने में ज्यादा होता,
किसी महीने में डेटा चेंज होता है, सब चेंज होना करना पड़ता, तो हमने सबको डायनेमिक फॉर्मेटिंग कर दिया ताकि अब मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि यार मेरा किसी महीने का डेटा क्यों ना हो और कोई भी डेटा क्यों ना हो। जैसे ये देखिए 5 जनवरी है, मैं इसको अगर 8 अगस्त कर दू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो देखिए ऑटोमेटिक एल हो गया ना, एल आप हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो वीर सिंह जी एंड राहुल, आप फॉर्मेटिंग को ट्राई कीजिए, कल से आपके 8 बजे फॉर्मेटिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। कोई डाउट है, क्वेश्चन है? सर एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ना, जो हमने लास्ट टाइम ने फॉर्मेट लिंक ऑब्जेक्ट मेल वाला किया था, जहाँ पे हमें एक डेली एक रिपोर्ट भेजना होता है और लिंक हमने टेम्पलेट आउटलुक टेम्पलेट सेव किया था, जैसे हम सेव कर रहे हैं एक्चुअली बेस्ट स्पेशल करके उसमें, तो नेक्स्ट डे जब ओपन होती है फाइल, तो उसमें वो ओपन करने के टाइम पे सबसे पहले मांगता है कि आपने डाटा अपडेट हो रहा है, अपडेट चाहते हैं कि नहीं चाहते। दूसरा, उसमें ऑटोमेटिक जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है राइट, जब वो ओपन हो रहा है उस टाइम पे वो फाइल जहाँ पे सेव है और एट दैट टाइम सेम डाटा इज नॉट अपडेटिंग लाइव ऑन दैट फाइल एक्चुअली। सो देखिए आपको अब, हाँ जैसे बता दो आपको, ये चीज आपने ध्यान नहीं दिया, आपको फाइल आपकी मेल से अपडेट तभी होगी जब आपका ओरिजिनल ओरिजिन फाइल जिसमें डेटा सेव्ड है वो आपका ओपन होगा। तो मेल ओपन करने से पहले जिस फाइल से आपका डेटा लिंक है उस फाइल को ओपन कर दे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपडेट हो जाएगा। ओके ओके, मींस डेस्टिनेशन फाइल शुड बी ओपन एट दैट टाइम। एक्सेल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वीके थ्रू हो नॉर्मल हो, जब तक कि फाइल खुलेगी नहीं किसी भी तरह की चीज अपडेट नहीं करेगा। ओके ओके, ऑप्शन टू रिफ्रेश दैट फाइल, हाँ रिफ्रेश करेंगे तो बैकएंड में फाइल को खोल ही लेगा वो। एक्चुअली वो एक्चुअली क्या था, मैंने जब सेव किया था वो तो टेम्पलेट सेव किया था, तो मैंने उसमें एज ए पिक्चर बिटमैप सेव किया था, तो दैट लेकिन हमें करना था लिंक ऑब्जेक्ट एक्चुअली, आई थिंक। हाँ लिंक ऑब्जेक्ट करना मतलब लिंक होगा, अगर लिंक नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि पहले दिन मैंने किया तो नेक्स्ट डे वो सेम डे तो अपडेट हो रहा था, नेक्स्ट डे किया तो नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टाइम मैंने अभी पिछले वीक से मैं भेज सेंड कर रहा हूँ डेली रिपोर्ट, बट ये एक चैलेंज आ रहा है कि आपको उसको डेस्टिनेशन फाइल ओपन चाहिए। हाँ ओपन कर लीजिए ना, तभी अपडेट होगा वो, है सर इसमें प्रॉब्लम है। बट अगर मैं अगर उसको वो भी कर देता हूँ, सपोज करो आप पहले आप फाइल को ओपन करें फिर मेल को ओपन करें फिर अपने आप अपडेट हो जाएगा सर। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू।